प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार और प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। अपन लोग पवित्र बाइबल से पहला यूहन्ना फुल पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और अब हम दूसरे अध्याय में आ गए हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय खोल लें, जिनके पास नहीं है वे लोग सुन लें। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 12वें पद में हम पढ़ते हैं, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। 13, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। यहाँ पर एक विशेष बात जो हर व्यक्ति नोट करता है या नोट कर लेता है, वो ये है कि प्रभु का वचन अलग अलग उम्र के लोगों से अलग अलग बात करता है। कौन सी उम्र की बात हो रही है? आत्मिक उम्र की बात हो रही है। ये बात मैं बता दूं, सांसारिक हमारा जो सांसारिक उम्र है या हमारी जो सांसारिक उम्र है उसमें और हमारे आत्मिक उम्र में कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण करता है तो सांसारिक उम्र 60 साल है, लेकिन उसकी आत्मिक उम्र 1 साल भी नहीं है। तो यहाँ पर जब किसी को बालक कहा गया है, किसी को पितर या पित्र कहा गया है, किसी को जवान कहा गया है, तो ये आत्मिक जीवन की बात हो रही है। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि आत्मिक जीवन में कई स्टेजों से होकर हमको गुजरना पड़ता है। सांसारिक जीवन में एक शिशु जब पैदा होता है तब बिल्कुल असहाय होता है, वो अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाता। वहाँ से धीरे 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 वो बड़ा होता है। जो नवजात शिशु है वो धीरे से बालक बन जाता है, बालक धीरे धीरे नौजवान बन जाता है, नौजवान युवा बन जाता है, युवा अपने जीवन में प्रौढ़ बन जाता है, प्रौढ़ व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी उम्र का व्यक्ति बन जाता है। तो सांसारिक जीवन में जिस तरह से हमारा जीवन तमाम स्टेज में से होकर गुजरता है, तमाम तरह के स्टेज में से होकर गुजरता है, उसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन भी तमाम तरह के स्टेज से होकर गुजरता है। हम में से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को जांचे कि वो आत्मिक जीवन में किस स्टेज पर पहुंच गया है, क्योंकि जिस स्टेज पर वो पहुंच गया है उस स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं ये समझकर उस व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं उससे भी
अगली स्टेज पर पहुंचो। बच्चा यदि चाहे कि मैं हमेशा बच्चा रहूं, तो पहली बात ये होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, बच्चा यदि हमेशा ही बच्चा रहेगा तो उसके माँ बाप को फिक्र होगी कि बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा है। वे उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि डॉक्टर साहब, बच्चा 3 साल का हो गया है लेकिन अभी तक बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है। और 4 साल की उम्र तक यदि बच्चा बातचीत ना करे तो घर वालों को निश्चित रूप से बहुत अधिक परेशानी होती है। आत्मिक जीवन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु में नया नया जन्म लिया है, वो शिशु है, वो आत्मिक बातों के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। क्यों? इसलिए कि एक शिशु के समान उसकी जानकारी शून्य के बराबर है। लेकिन धीरे 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 वो शिशु अपनी माँ को पहचानता है, अपने पिता को पहचानता है, दादा दादी या नाना नानी को पहचानता है, अपने भाई बहनों को पहचानता है। इसी तरह से आत्मिक जीवन में जब हम उन्नति करते हैं, तब धीरे धीरे हमको जान पहचान आती है। हम इस बात को पहचान लेते हैं कि कौन लोग हैं जो हमको सही सही आत्मिक शिक्षा दे रहे हैं, कौन है जो हमारी शिक्षा में बहुत अधिक दिलचस्पी लेता है, कौन है जो हमको सही सही हर बात बताता है, कौन है जो हमको गलत बातों के विरुद्ध चेतावनी देता है। इस तरह से आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब हम अपने मुंह से प्रभु के लिए 2 शब्द बोल सकते हैं। हम उस हालत में पहुंच जाते हैं जहां पर हम दूसरों को ये बता सकें कि देखो भैया, एक समय था जब मैं पापी था, मैं अपने आत्मिक जीवन में अनजान था, मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फलाने 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 व्यक्ति ने मुझे प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाया। उस शुभ संदेश को सुनकर मैं ये बात पहचान गया कि पापों की सजा से मुक्ति कैसे मिलेगी। मैंने इस बात को पहचान कर प्रभु यीशु के पास जाकर प्रभु से कहा कि प्रभु, सूली पर आपने मेरे लिए अपना जीवन दिया, इस बात को मैं पहचान गया हूँ और आज मैं आपको मुक्तिदाता मान रहा हूँ और आपसे याचना कर रहा हूँ कि मुझे पाप की सजा से मुक्ति दें। और प्रभु ने उसी क्षण मुझे मुक्ति दी। इतना वो बोलने लगता है, कुछ और समय के बाद वो प्रभु के वचन से और भी बातें समझने लगता है, बोलने लगता है। बच्चों के बीच में हम जानते हैं विकास अलग अलग तरीके से होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलना फिरना दौड़ना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं। आत्मिक जीवन में बिल्कुल इन्हीं बातों को हम देखते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में बात ग्रहण करता है तो वो आत्मिक जीवन में शिशु है। शैशव मतलब जो शिशु काल है, वो जब निकल जाता है तब वो थोड़ा और बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग आत्मिक उम्र के लोगों से अलग अलग बात कही गई है। इसमें एक क्रम से नहीं लिखा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। मैं उसे क्रम से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। 12वें पद में लगभग 13वें पद में, दूसरा पहला यूहन्ना 2:13 में, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को
जान गए हो। आत्मिक जीवन में ये वह स्टेज है जब बालक अपने माँ बाप को पहचानता है। माँ को तो तुरंत वो पहचान लेता है, पिता को थोड़े से समय के बाद पहचानता है। तो आत्मिक जीवन में यहाँ जिनको लड़का कहा गया है, वे लोग उस स्टेज पर पहुँच गए हैं जहाँ पर वे दो बातें पहचान लेते हैं। एक, प्रभु यीशु को जिन्होंने उनको उद्धार दिया। दूसरा, पिता परमेश्वर को जिनकी योजना के अनुसार संसार में सब कुछ चल रहा है। उसके बाद 12वें पद के आरंभ में हम पढ़ते हैं, 12 के आरंभ में, हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। जब शिशु से लड़का, लड़के से जब बालक की स्थिति आ जाती है, तब हम अपने उद्धार के बारे में स्पष्टतया ना केवल पहचान जाते हैं बल्कि दूसरों को बताने लायक भी हो जाते हैं। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम में से हर व्यक्ति को अपना आत्मिक जीवन जरा जांच कर देखना चाहिए, मैं किस स्टेज पर पहुँच चुका हूँ, मैं अभी भी शिशु हूँ क्या। ऐसा कई बार होता है, उद्धार पाने के 5-5, 10-10, even 20-20 साल के बाद मैंने लोगों को देखा है अभी भी आत्मिक शिशु हैं। जो उद्धार के समय उन्होंने समझा था उससे एक अक्षर ज़्यादा उन्होंने 10 साल में नहीं समझा है। आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हम लोग सांसारिक रूप से परिपक्व हैं, मैच्योर हैं। और मैच्योर लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आत्मिक जन्म जो मैं पाया हूँ उसमें भी मुझे मैच्योर होना है, उसमें भी मुझे परिपक्व होना है। और इस कारण यदि उद्धार के समय हमारी जो हालत थी, यदि आज भी वही हालत है, तो उसका मतलब है कि स्थिति सही नहीं है। ये बात मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम में से हर व्यक्ति अपने आप को जांचे कि मैंने उद्धार पाया, मैंने प्रभु यीशु से पापों की क्षमा, पापों के सजा की क्षमा पाई। उस क्षमा को पाने के बाद क्या मैं प्रभु के वचन को समझ लेता हूँ, क्या मैं प्रभु के वचन को पढ़कर समझ लेता हूँ, क्या मैं प्रभु के वचन के बारे में दो शब्द अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को, क्या मैं दो शब्द बता पाता हूँ। यदि कोई मित्र आकर पूछे कि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो क्या मैं उसका जवाब दे पाता हूँ। यदि नहीं दे पाते तो उसका मतलब है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास अभी नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उद्धार पाने के 4 महीने के बाद प्रभु के वचन की कठिन से कठिन बातें हम समझने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रभु के वचन में ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, कई बार 40 साल के बाद समझ में आती है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि हम उद्धार पाने के बाद जिस अवस्था में पहुंच गए हैं, जितने महीने बीत गए हैं, जितने साल बीत गए हैं, उतने महीनों और उतने साल के हिसाब से आत्मिक विकास, आत्मिक वृद्धि पा चुके हैं क्या। तो आज सभी भाई और बहनों को मेरा पहला अनुरोध यह है कि आपको उद्धार पाए हुए कितना समय हो गया, जरा सोचिए, 6 महीने, 6 साल, 60 साल, कितने साल हो गए। इतने सालों में आपके जीवन में जो आत्मिक बदलाव आना था वो आ गया क्या, यदि नहीं तो क्यों।
कहाँ पर हम रुके हुए हैं। अपन लोग जानते हैं छोटे बच्चों में कई बार जमीन पर पड़ी हुई चीज़ों को वो खा लेते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं। बच्चा जो भी खाता है उसका जो अच्छा अंश है, पोषक अंश जिसे कहते हैं, उसे तो वो कीड़े ही खा जाते हैं, तो बच्चा कैसे बढ़ेगा। तो बच्चा हो गया है साल भर का, लेकिन उसका शरीर अभी भी 6 महीने के बच्चे के समान है। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर मिट्टी से, जमीन से आए हुए कीड़ों ने उसके पोषक अंश को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में उद्धार पाने के बाद यदि ऐसी गलत बातें आ जाती हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करती हैं, जैसे प्रभु के बारे में शंका, दूसरों के बारे में ईर्ष्या, दूसरों के साथ प्रतियोगिता, लालच, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, ये चीज़ें उन कीड़ों के समान है जो जमीन से या मिट्टी से हमारे शरीर में आते हैं, और उसके बाद हम कुछ भी खाते जाएं, सारा पोषक अंश जो है उसको वे ख़त्म करते जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, अपने आप को जांचना ज़रूरी है। उसके बाद 13वें पद में है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्षमा करें, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कौन है ये दुष्ट? शैतान। और शैतान के बारे में जवानों से क्यों लिखा गया है? इसलिए कि एक बच्चा जब नवजात शिशु होता है तब वो पूरी तरह से माँ बाप के ऊपर, मेनली माँ के ऊपर डिपेंड करता है। टट्टी पेशाब करने के बाद उसको साफ करने की हालत में नहीं होता है, उल्टी करने के बाद साफ करने की हालत में नहीं होता है। उन चीज़ों से या गंदगी से हटकर थोड़ा दूर लेटने की हालत में नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 बच्चा जब बढ़ता है तो खतरे को देखकर, खतरे से दूर रहना सीख लेता है। वो जानता है कि खतरा क्या है और अपने आप को खतरे से बचा कर रखता है। मुझे अभी भी याद है मध्य प्रदेश में जब ठंड का सीज़न होता था तो रात को टेम्परेचर 4 डिग्री तक सो अक्सर पहुंच जाता था। और मुझे जीवन में वे दिन भी याद हैं जब टेम्परेचर -4 तक पहुंचा था, जब बाल्टी में करके बाहर बाल्टी में रखा हुआ पानी जो है वो जमने लगा था। ऐसे सीज़न में पानी गर्म करके स्नान करना पड़ता है। हम लोग इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म करते थे, बाल्टी में रॉड डाला, उसको प्लग लगा दिया। मेरा बच्चा, बेटा जब छोटा था तब बार बार हम उसको बताते थे, बेटा उसके पास नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर जैसे वो बच्चा बार बार आके तार को छूने की कोशिश करता है, वो करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसने जाके हाथ लगाया, बिजली का ज़बरदस्त झटका लगा, रोने लगा, डैडी मुझे झटका लगा। लेकिन झटका लगने के बाद फिर कभी उसने छुआ क्या? नहीं, झटका लगने के बाद उसने नहीं छुआ। इसलिए कि एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए एक कड़वा अनुभव पर्याप्त होता है, और उस कड़वे अनुभव के बाद वो उस चीज़ से बच कर रखता है। इसी तरह से हम लोग
जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद भी कई बार शॉक लगा होगा। मुझे तो मेरा अनुमान है कि 24 साल की उम्र तक कई बार शॉक लगा है, क्योंकि जब हम एमएससी में पढ़ते थे तब इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम तरह के उपकरणों का उपयोग करते थे, जिसमें 1 वोल्ट से लेकर 50,000 वोल्ट तक बिजली बहती थी। पहली बार जब आपको नहीं मालूम कि किसी चीज़ में 50,000 वोल्ट है, अनजाने हाथ का स्क्रू ड्राइवर उधर कर दिया तो उसमें से स्क्रू ड्राइवर में स्पार्क आता है, और यदि आप बहुत ज़्यादा पास पहुंच गए तो आपको बहुत बुरी तरह से झटका लगता है। तो हर पेशे में एक सीखने की उम्र है। एमएससी चूंकि मैंने 24 के आसपास मैं एमएससी में गया था, और वहाँ चूंकि तमाम तरह के उपकरण ऐसे थे जो घरों में नहीं दिखाई देते, इसलिए वहाँ पर भी सीखना पड़ा कि फलाने से दूर रहो, फलाने से हट के रहो, फलाने के प्रति इवन स्क्रू ड्राइवर जो है उसको यों पॉइंट नहीं करना है, कहीं स्पार्क इसमें आ जाए उसको ऑफ करने के बाद ही उसका उपयोग करना है। ये सब 24 साल की उम्र तक सीखना पड़ा। आत्मिक जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। आत्मिक जीवन में जब हमको कोई व्यक्ति कोई काम करने को कहता है तो कई बार मन में शंका होती है, सही है गलत है, सही है गलत है, करूँ ना करूँ। ये सब सीखने के अलग अलग स्टेज हैं, और हम में से हर व्यक्ति के जीवन में ये स्टेज, ये सीढ़ियाँ, ये कदम आने चाहिए। इसलिए जवानों से लिखा है, ए जवानों मैं तुम्हें लिखता हूँ, तुमने दुष्ट पर जय पाई है। ये आत्मिक जीवन में उस उम्र को दिखाता है जब शैतान हमारी परीक्षा करता है। शैतान परीक्षा करता है, ये हम उत्पत्ति के 3 अध्याय से पढ़ते आए हैं। आज जो लोग सुबह, जिन लोगों ने मुझसे प्रभु का वचन सुना, उन्होंने ध्यान दिया होगा उत्पत्ति 3 में किस तरह से शैतान ने सांप के रूप में आकर स्त्री की परीक्षा की और वो गिर गई परीक्षा में। इसी तरह से हम जब आत्मिक जीवन में थोड़ा बहुत परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद शैतान आकर हमारी परीक्षा करता है। वो हमारे आत्मिक जवानी की स्थिति है। जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने दुष्ट पर जय पाई, लेकिन जवानों से प्रभु का वचन ये उम्मीद करता है कि जब शैतान आकर आपकी परीक्षा करता है तो उस परीक्षा में गिरने के बदले उस परीक्षा में जय पाए। ये अपने आप में आसान बात नहीं है। हव्वा एक साधारण स्त्री नहीं थी। आदम और हव्वा पूर्ण रूप से मैच्योर परिपक्व लोग थे, प्लस आदम और हव्वा इस तरह के लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को आमने सामने देखा था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु दिन के ठंडे के समय अदन की वाटिका में आते थे जिससे कि आदम और हव्वा से वार्तालाप कर सके। तो जो स्त्री इतनी परिपक्व थी कि परमेश्वर से उसने वार्तालाप किया, वो भी शैतान के जाल में फंस गई। जो हमको ये बताता है कि आत्मिक जीवन में जो जवानी का समय है वो हमारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा समय है, और परीक्षा में हार जाने का भी सबसे बड़ा समय है। आज जितने भाई बहन लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने आत्मिक जीवन में किस स्टेज पर हैं? उद्धार पाने के 5, 6, 8, 10 साल के बाद लगभग सभी लोग आत्मिक जवानी की अवस्था में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद मनसा वाच्या कर्मणा जब शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है तब आप फंस जाते हैं क्या, फंस चुके हैं क्या,
फंस गए हैं क्या? यदि फंस गए हैं उससे बाहर आए, फंस चुके हैं तो किसी की मदद से उसमें से बाहर आए। लेकिन इस बात को याद रखें कि अपने आत्मिक जीवन के बारे में पूरी ईमानदारी से हम अपने आप को जांचें। आत्मिक जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो हम बार बार फंसेंगे, और बार बार फंसने का मतलब यह है कि हम आत्मिक रूप से बीमार हो जाएंगे। जब बच्चे से या बड़े से कहा जाता है कि ठंड के समय कपड़े पहने बिना बाहर मत निकलो, शर्ट पहने बिना बाहर मत निकलो, स्वेटर पहने बिना बाहर मत निकलो, सर ढांपे बिना, रात के समय ओस पड़ रही है, कोहरा है और इसलिए सर को ढांपे बिना कोहरे में मत निकलो, जब इस तरह से बोलते हैं और यदि कोई व्यक्ति उसकी उपेक्षा करता है तो वो तो बीमार होगा। इसी तरह से जो लोग आत्मिक जीवन में जवानी में पहुंच चुके हैं वे लोग जब प्रभु के वचन की चेतावनियों को नहीं सुनते हैं तो वे लोग भी आत्मिक रूप से बीमार हो जाएंगे। आज यहाँ पर जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उसमें से उद्धार प्राप्त करने के बाद जिनको 5 या उससे अधिक साल हो गए हैं वे आत्मिक जवानी की अवस्था में आ चुके हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसलिए ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मिक जवानी में बीमारियों में, आत्मिक बीमारियों में मतलब शैतान की चाल में ना फंसे उसके लिए क्या करना है। जिस तरह से माँ कहती है बेटा अपने ऊपरी बदन को ढांक के ही बाहर जाओ, सर ढांक के ही बाहर जाओ, वही चेतावनी आत्मिक जीवन के बारे में हमें परमेश्वर के वचन से मिलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन नियमित रूप से पठन और पाठन हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। और ये बात मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि यदि हर दिन आप 15 मिनट प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो साल भर में कंप्लीट बाइबल पढ़ लेंगे। 15 मिनट, 4 अध्याय 5 अध्याय प्रभु के वचन से प्रतिदिन 5 अध्याय पढ़ेंगे, साल भर में आप कंप्लीट बाइबल पढ़ लेंगे। जिस तरह से माँ बार बार चेतावनी देती है बेटा उघाड़े सर बाहर मत जाओ, स्नान करके आए हो उघाड़े सर बाहर मत जाओ, सर ढांप के जाओ, वस्त्र पहन कर जाओ, शर्ट ही नहीं कम से कम एक हाफ स्वेटर तो पहन ले बेटा। जब प्रभु का वचन जिस तरह से माँ ये चेतावनी देती है उसी तरह से प्रभु का वचन हमको चेतावनी देता है। उन चेतावनियों को हम जाने और सीखें, जाने तभी जान सकते हैं जब हम प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ें, और प्रभु के वचन को नियमित रूप से पढ़ें तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में उसके लिए समय अलग करके रखें। यहाँ पर सिर्फ एक और शब्द है जिसके बारे में नहीं बोला, 14वां पद, हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जान गए। पितर का मतलब है कि हम आत्मिक जीवन में सबसे आखिरी स्टेज में पहुँच गए हैं। हम में से शायद कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावा कर सके कि हम आत्मिक जीवन में उस स्टेज पर पहुँच गए हैं। आत्मिक जीवन में हर बार हर दिन हमको उन्नति करनी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फाइनल स्टेज पर पहुंच गया हूं। इसलिए मैंने वो जो पितरों के बारे में जो कहा है उसको छोड़ दिया है, इसलिए कि हम में से कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मैं आत्मिक जीवन में उस स्टेज पर पहुंच गया हूं जहां मुझे पितर कहा जा सके। हम उसके नीचे की स्टेज में हैं, लेकिन उस नीचे की स्टेज में हम सही तैयारी के साथ चल रहे हैं क्या? मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, केरल में हमारा जो गांव है
वहाँ बहुत साल तक बिजली नहीं थी। मैं जब 5 साल का हुआ था वहाँ बिजली आई। मेरी मम्मी का जो गांव है वहाँ तब भी बिजली नहीं आई। जब मैं एमएससी में पढ़ता था, एमएससी के बाद जब मैं केरल में मैं नौकरी करता था, तब कभी कभी अपने मामा जी से मिलने के लिए मैं मम्मी के घर चला जाता था। बस से उतरो, चारों तरफ देखो, अति भयानक अंधकार, अति भयानक। मैं 1978 की बात बता रहा हूँ। उस समय टॉर्च इतने आसानी से मिलता नहीं था, सस्ता भी नहीं होता था। क्या करते थे, बस स्टैंड से उतरते ही सामने एक घर था जो हमारे परिचितों का था, उनको बुलाकर वहाँ जो बड़े भैया थे उनको मैं बताता था कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मुझे मामा जी के घर जाना है, जो वहाँ से 1 किलोमीटर अति घने जंगल नुमा पेड़ों के बीच में से होकर गुजरना पड़ता था। तब वो भैया क्या करते थे, नारियल के सूखे पत्ते लपेट कर उसके सिरे पर आग लगा के मुझे दे देते थे। उसका एक तरीका है, आप उसको यों यों करते हुए जाते हैं जिससे कि हवा लगे और वो बुझ ना जाए। इस तरह से 1 किलोमीटर चलना पड़ता था तब मामा जी के घर पहुंचते थे। ये घटना मैंने क्यों बताई, मेरा लक्ष्य जो था वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रकाश की ज़रूरत थी, लेकिन जिस युग में टॉर्च वगैरह बहुत महंगे होते थे, उस युग में बस से उतरने के बाद इंतजाम करना पड़ता था, बिना इंतजाम के आगे नहीं जा सकते थे। आत्मिक जीवन बिल्कुल ऐसा ही है, अंधकार ही अंधकार है। और एक बार ठीक बीचों बीच, मतलब जिन्होंने मुझे रोशनी दी थी वहाँ से आधा किलोमीटर दूर, मामा जी के घर से आधा किलोमीटर दूर वो बुझ गया। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी। उस दिन मैंने प्रभु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, प्रभु मेरी मदद करें। उसके बाद उसको अच्छी तरह से हिलाया, प्रभु की दया से वो जल गया। लेकिन उस दिन मैंने इस बात को अच्छी तरह से पहचाना कि जिस रास्ते हम जा रहे हैं उस रास्ते के लिए ना केवल इंतजाम होना चाहिए, इंतजाम पूरा होना चाहिए। उसके बाद जब भी मैं जाता था माचिस खरीद के जो है थैले में डाल लेता था, या लाइटर खरीद के थैले में डाल लेता था जिससे कि वो बुझ जाए तो बीच में मैं उसे जला सकूँ। कभी कभी बूंदाबांदी होने लगती थी तो उससे भी बुझने की संभावना रहती थी। लेकिन जो लेसन, जो पाठ मैंने सीखा वो ये है कि रास्ता जितना अधिक अंधेरे से भरा हुआ है, तैयारी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा आपका जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। एक संसार के अंधकार से होकर हम गुजर रहे हैं, हमको यहाँ भी रोशनी चाहिए, बीच में भी रोशनी चाहिए, अंत में भी रोशनी चाहिए, जिसके लिए मेरे आपके लिए ज़रूरी है कि प्रकाश का जो सोता है वो प्रभु का वचन है। मेरे आपके लिए ज़रूरी है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में नियमित रूप से कार्य करे, और यदि प्रभु का वचन हमारे जीवन में नियमित रूप से कार्य करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन का नियमित रूप से पाठ करें। इन बातों को समझने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करे। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें।
सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।